हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहना और मेरी वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप सभी को पता है कि पोकेमोन की दो रिसेंटली एक्स वाई सीरीज़ की मूवीज़ को हिंदी में डब किया गया है। तो उन्हीं में से अभी पोकेमोन मूवी 16 एयर की गई थी इंडिया के अंदर। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट मूवी के बारे में, यानी कि पोकेमोन द मूवी 17 के बारे में। तो आप सभी को पता है कि मूवी कितने कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें दो फेवरेट कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। वो है, एक तो है सरीना, यानी कि सरीना टीवी में हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलने वाली है, वो एक अमेजिंग बात होने वाली है। और हमें देखने को मिलने वाला है पोकेमोन ऑफ द ईयर, यानी कि ग्रीन निंजा भी देखने को मिलने वाला है इस मूवी के अंदर। तो आप लोग यहीं से सोच सकते हो कि मूवी कितने कमाल की होने वाली है। और लिटरली इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आखिर ये मूवी इंडिया में कब तक आ सकती है, यानी कि डेट भी बात करेंगे कि किस डेट तक आ सकती है, और बात करेंगे क्या ये मूवी पूरी तरह हिंदी में डब हो चुकी है, और बात करेंगे कि आखिर ये मूवी कैसी होने वाली है। तो वीडियो एकदम छोटी सी होने वाली है और 3 पॉइंट्स में होने वाली है। तो बस कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे अमेजिंग कंटेंट्स के लिए, और अपनी सरीना भाभी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखना अगर एक सच्चे पोकेमोन लवर हो, तभी आप जान पाओगे कि आखिर ये मूवी कब तक इंडिया में आने वाली है। तो चलिए फिर, बहुत हो चुकी है बकवास, तो चलिए फिर वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स बिगिन। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट के बारे में कि आखिर ये मूवी कैसी होने वाली है, कब इसे रिलीज़ किया गया था और इसकी क्या रेटिंग है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसकी रिलीज़ डेट के बारे में। तो इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 19 जुलाई 2014 को। अप्रोक्स 6 ईयर हो चुके हैं इस मूवी को रिलीज़ किए हुए, और ये मूवी एक एडवेंचर फिल्म होने वाली है, यानी कि एक एडवेंचर टाइप मूवी होने वाली है, जिसमें हमें ऐश कैचम और उसके फ्रेंड्स का एक एडवेंचर देखने को मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर हमें एक पोकेमोन देखने को मिलेगा डीएनसी, एक हार्ड डायमंड पोकेमोन होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी रेटिंग को लेकर। तो इसे रेटिंग 10 out of 5.6 की। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसकी रेटिंग में तो पता ही मूवी एकदम बकवास होने वाली इसकी रेटिंग को देखकर। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पोकेमोन की जो मूवीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा रेटिंग्स पे डिपेंड नहीं करती, उसकी स्टोरी लाइन पे डिपेंड करती है कि आखिर वो मूवी हमें कैसी स्टोरी लाइन प्रोवाइड करवाने वाली है। तो ऑफकोर्सली इस मूवी की जो स्टोरी लाइन होने वाली है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। लिटरली मैंने इस मूवी का जब ट्रेलर देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस ट्रेलर के अंदर, क्योंकि हमें सरीना एंड ग्रीन निंजा भी देखने को मिलेंगे। बट बेसिकली इस मूवी के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, बात करते हैं फाइनली इनके रिलीज डेट के बारे में और हिंदी डबिंग को लेकर। तो पहले बात आती है हिंदी डबिंग को लेकर। आप सभी को पता है रिसेंटली 1 मंथ पहले इन दोनों मूवी का सर्टिफिकेशन हमें दिखाया गया था। तो ये मूवी सर्टिफाई हो चुकी है इंडिया में दिखाने के लिए, और इन्हें 3 लैंग्वेजेज में डब कर दिया गया है, हिंदी, तमिल एंड तेलुगू। पता है आपके इंडिया चैनल्स तीनों ही लैंग्वेज में दिखाते हैं, तो इन्हें तीनों ही लैंग्वेज में इनकी हिंदी डबिंग कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ तक पोकेमोन मूवी 17 18 भी हिंदी डबिंग में कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि दोनों मूवी को हिंदी में डब कर दिया गया। तो अब बात करते हैं कि इनमें से पहले एयर कौन सी होगी। अगर पहले एयर होती है तो पोकेमोन मूवी 17 एयर की जाएगी, क्योंकि वो उससे पहले की मूवीज हैं। पोकेमोन मूवी 17 पहले एयर होगी, उसके बाद 18 मूवीज एयर होगी। तो अब बात करते हैं इनके रिलीज डेट के बारे में कि ये मूवी आखिर कब तक इंडिया में रिलीज हो सकती है। तो अगर आप पिछले वाली मूवीज के रिकॉर्ड्स को देखते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ये मूवी रिलीज हो सकती है 3 या 4 मंथ के बाद में, यानी कि 3 and 4 months के आफ्टर ये मूवी रिलीज होगी। तो अब बात करते हैं डेट के बारे में कि कब तक रिलीज़ होगी। तो यहाँ पर एक फैक्ट वाली बात यहाँ पर आती है कि अभी हाल ही में सभी बच्चों के स्कूल खुले जा रहे हैं, यानी कि अभी स्कूल लग रहे हैं सभी बच्चों के, और इस बार जो मूवी एयर होगी ना वो इन पे डिपेंड करेगी टीआरपी पे। पता है पोकेमोन मूवी एक्स वाई मूवी को जितनी टीआरपी एक्सपेक्ट करता है डिज्नी इंडिया, उसे उतनी टीआरपी दिला के ही मानेगा। तो जिस वजह से ये मूवी एयर होगी अप्रोक्सली जून या जुलाई मंथ के अंदर, उससे पहले कोई चांस नहीं होता कि ये मूवी एयर हो। पता है आप सभी को जितनी टीआरपी चाहिए उतनी टीआरपी मिलनी चाहिए, और ये भी हो सकता है कि उससे पहले एक्स वाई सीरीज़ को दिखाया जाए और एक्स वाई जी सीरीज़ को भी दिखाया जाए, ताकि मूवी देखने में और भी मज़ा आए। तो ये एक बार हो चुका है कि हंगामा एक्स वाई सीरीज़ को एयर कर चुका है, तो जिस वजह से अगर ये मूवी हमें देखने को मिले तो लिटरली उससे पहले सीरीज़ भी देखने को मिल सकती है, उसके बाद ही एयर किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ अगर आपने इसे एंड तक ज़रूर देखा है। तो दिल से शुक्रिया, आप सभी को दिल से शुक्रिया इतना ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए। तो जय हिंद, जय वंदे मातरम, और जल्दी ही पोकेमोन मूवी 17 इंडिया में एयर होगी। सो बाय बाय।